हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कि 3-phase AC जो होता है, जो हमारा HVAC होता है, उसमें जो हम ड्रायर कैसे चेंज करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा जो है आउटडोर यूनिट है, और यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है इंडोर यूनिट है। ये साइड में जो है ये इंडोर यूनिट लगा हुआ है, ठीक है। अब ये मशीन में जो है दो जो है अंदर कॉयल लगा हुआ है HU में, और यहाँ पे दो आउटडोर लगा हुआ है। एक आउटडोर ये है और एक आउटडोर ये है, ठीक है। इसका जो है वो गैस लीक हो गया है, ठीक है, पूरा गैस लीक हो गया। और लीकेज कहाँ पे है? यहाँ पे ड्रायर पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ड्रायर है, यहाँ पे इस साइड में जो है लीकेज हो गया है, ठीक है। तो आज हम लोग जो है ड्रायर को चेंज करेंगे। किस तरीके से ड्रायर को चेंज करते हैं और उसका प्रोसेस क्या होता है, और अगर गैस रहता है और ड्रायर चुकअप होता है तो किस तरीके से चेंज करेंगे, और गैस लीक हो गया तो किस तरीके से चेंज करेंगे, इसका अलग अलग प्रोसेस होता है, ठीक है गैस। तो आज हम लोग इसी के बारे में बताने वाले हैं और ड्रायर भी चेंज करके दिखाने वाले हैं। तो गाइस, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ड्रायर को हम लोग खोल लेंगे, और खोलने के बाद जो है फिर उसके बाद जो है हम लोग नया ड्रायर चेंज करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको जो है स्पैनर की मदद से पहले इसको खोल लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है हमारा ड्रायर है ब्लू कलर का, ठीक है। और ये ड्रायर को अभी फिलहाल हम लोग यहीं पे रख देते हैं, और ये जो है दो स्पैनर लेते हैं, और स्पैनर की मदद से जो है इसको पहले हम लोग खोल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेके आ जाइए। अगर इस एसी में अभी गैस रहता और ड्रायर हमारा चोक रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, ड्रायर चेंज करने के लिए ये दोनों वाल्व को हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है। ये भी वाल्व बंद कर देंगे, ये भी वाल्व बंद कर देंगे, दोनों वाल्व को बंद कर देंगे। उसके बाद ड्रायर निकालेंगे, और ड्रायर लगाने के बाद दोनों वाल्व को खोल देंगे, तो हमारा गैस लीकेज नहीं होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो है इसमें गैस है ही नहीं है, पाइप में भी गैस नहीं है, सिस्टम में कहीं पे भी गैस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ड्रायर लीकेज है। तो हम लोग जो है वाल्व नहीं बंद करेंगे, डायरेक्ट जो है ड्रायर को खोल लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्पैनर की मदद से इसको खोल लेते हैं। यहाँ पे एक पाना लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग खोल लेते हैं पहले, ये देखिए, ठीक है गाइस। यहाँ पे देखिए, एक तरफ का हमारा जो है ड्रायर का नट जो है खुल चुका है, ठीक है। हमारा एक तरफ बाकी है, इसको भी हम लोग खोल लेते हैं। गाइस यहाँ पे देखिए, एक तरफ का तो हमारा खुल चुका है, और ये भी जो है हमारा लगभग लगभग खुल ही चुका है, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो लीकेज है हमारा, यहाँ पे देखिए पूरा ड्रायर जो है ये सड़ गया है, यहाँ पे देखिए पूरा फट गया है, ठीक है। यहीं से हमारा पूरा गैस जो है लीकेज हो चुका है, ये साइड में भी सड़ गया और ये साइड में, इधर तो लीकेज नहीं है लेकिन ये साइड में हमारा पूरा लीक है, ठीक है। तो अब जैसे ये लगा हुआ था, जैसे टेफ्लॉन टेप लगा करके, और इधर भी टेफ्लॉन टेप लगा करके लगा हुआ है, उसी तरीके से हम इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो हम नया ड्रायर को पहले टेफ्लॉन टेप लगा लेते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से लगाना है उसको। चलिए इसको हम लोग रख लेते हैं साइड में। तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग नया ड्रायर ले लिए, और वो भी हमारा जो ड्रायर था, ये भी हमारा 5-8 का था और ये भी 5-8 है, देखिए दोनों सेम ही है, ठीक है, छोटा बड़ा नहीं है। अब इसमें जो है लगाने का जो तरीका है ना, वो थोड़ा जो है आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो एरो दिखा रहा है, ये जो है इधर से गैस जो है हमारा इन होगा और इधर से आउट होगा, आपको ये चीज ध्यान देना है, आपको उल्टा नहीं लगाना है, ठीक है, आपको सीधा ही लगाना है। ये एरो जो है इस तरीके, इस तरफ जो है रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको जो है हम पहले लगा लेते हैं। उससे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसका फ्लेयरिंग जो है वो बराबर है कि नहीं है, ठीक है। ये जो फ्लेयरिंग है, ये प्रॉपर तरीके से है कि नहीं है, इधर भी हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पे देखिए, फ्लेयरिंग जो है हमारा ये भी बराबर है, और ये भी फ्लेयरिंग जो है हमारा बराबर है, ठीक है। अभी हमको इसमें लगाना है, सिर्फ फिक्स करना है, ठीक है। तो चलिए जो है इसको सबसे पहले हम इसको टाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एरो देखिए हमारा ये साइड में, तो गैस हमारा इधर से इन होगा, ये जो है हमारा इनलेट है और आउटडोर की तरफ से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम इसको ही लगाएंगे, इसको आगे ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा अभी टाइट हो चुका है, ठीक है, अभी जो है फुल टाइट नहीं हुआ है, इसको भी थोड़ा लगा लेते हैं, उसके बाद जो है फुल टाइट करेंगे। ये देखिए अभी हमारा जो है, दोनों जो है जितना हाथ से जाता है उतना जो है ये टाइट कर दीजिए, ठीक है, और इसको भी टाइट कर देते हैं। अब स्पैनर की मदद से इसको जो है फुल जो है टाइट कर देंगे। गाइज यहाँ पे देखिए, ये साइड में हम लोगों ने टाइट कर दिया पूरा, ठीक है। अभी हम लोग इसको भी टाइट कर देते हैं।
आराम आराम से गाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हमारा जो है अभी फुल टाइट हो चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमारा गैस जो है इन करेगा और यहाँ से हमारा आउट कर देगा। ठीक है, हमारा जो है ड्रायर अभी लग चुका है और इसी तरीके से जो है ड्रायर जो है चेंज करते हैं। अगर आपका ड्रायर चोक है तो वाल बंद करके करेंगे। ठीक है, ये भी वाल बंद करेंगे, ये भी वाल बंद करेंगे ताकि हमारा गैस वेस्टेज ना हो, अंदर ही रुका रहे। ठीक है, और अगर लीकेज है तो फिर आप वाल बिना बंद किए आप ड्रायर को चेंज कर सकते हो गैस। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे ड्रायर जो है वो लग चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लीक टेस्टिंग करेंगे, यहाँ पे भी लीक टेस्टिंग करेंगे और यहाँ पे भी चेक करेंगे कि हमारा जो है जो हम लोगों ने नट टाइट किया है फ्लेयर नट वो लीकेज तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसको चेकिंग करेंगे प्रेशर डाल के, उसके बाद अगर लीकेज नहीं रहेगा तो इसमें हम लोग गैस फिलिंग कर देंगे। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।